मालदीव भारत के बीच आग लगाने वाले चीन की एक और चाल का खुलासा हुआ है जो भारत के लिए टेंशन की बात है। दरअसल मालदीव और भारत में जारी कूटनीतिक विवाद के बीच चीन मालदीव में अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहा। सैन्य सहायता प्रदान करने से लेकर बुनियादी ढांचे के निर्माण तक में चीन सक्रिय रूप से मालदीव की मदद कर रहा। मालदीव में चीन की बढ़ती मौजूदगी से ये बात साफ हो रही कि मालदीव भारत से दूर जाने की कोशिश कर रहा। राष्ट्रपति मुइजू की सरकार बनने के बाद से चीन कैसे मालदीव की मदद कर रहा ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये खेल 3 मार्च 2024 से ही शुरू हो गया था जब चीन और मालदीव के बीच रक्षा समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत चीन मालदीव के साथ अपने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त में सैन्य सहायता प्रदान करेगा। उसके बाद मालदीव के न्यूज चैनल ने मुइजू के हवाले से बयान जारी करते हुए कहा था कि चीनी सरकार मालदीव की सेना को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार है। चीनी सैन्य अनुदान के तहत मालदीव को आंसू गैस, काली मिर्च स्प्रे और इसी तरह के अन्य गैर घातक हथियार प्रदान कर सकता है। और इस बयान को कुछ ही दिन हुए थे कि चीन ने मालदीव को 12 इको फ्रेंडली एम्बुलेंस भी उपहार में दे दी। मालदीव के स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से कहा गया था कि ये एम्बुलेंस आपात स्थिति में इस्तेमाल की जाएगी। तो वहीं मालदीव में चीन के राजदूत वांग लिक्सिंग ने एक्स पर लिखा, मेरा मानना है कि ये वाहन मालदीव के विभिन्न शहरों में कचरा इकट्ठा करने और अन्य सार्वजनिक कार्यों में मददगार साबित होंगे। ये वाहन मालदीव को और अधिक सुंदर बनाएंगे। तो वही रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव की सरकार ने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े प्रयासों में सहयोग के लिए चीन की कंपनी चाइना तियानयिंग इंक के साथ समझौता किया। इस समझौते के तहत कथित तौर पर जलवायु परिवर्तन, जल और स्वच्छता, ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और कम कार्बन वाले शहरी विकास जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा चीनी कंपनी ने सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देने की भी। इसी सप्ताह चीन ने मालदीव को 1500 टन पीने का पानी भेजा। चीन ने ये पानी मालदीव में पानी की भारी कमी के बीच डोनेट किया। चीन द्वारा डोनेट किया गया ये पानी तिब्बत के ग्लेशियरों का है। मालदीव की सरकारी वेबसाइट ने 26 मार्च को राष्ट्रपति मुइजू के हवाले से कहा कि चीन माले शहर में सभी सड़कें मुफ्त में बनाने के लिए सहमत हो गया है। इससे पहले फरवरी में मुइजू ने मालदीव सभी शहरों में गुणवत्तापूर्ण सड़कें बनाने के अपने वादे पर जोर दिया था। माले में सड़कों का निर्माण इस साल से शुरू हो जाएगा। खैर, देखना तो ये होगा कि भारत के खिलाफ जिस तरह से चीन मालदीव में कदम उठाया जा रहा उसके बाद भारत कब करेगा पलटवार और क्या चीन बना देगा मालदीव को भी नया पाकिस्तान। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।